हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टेबल और ट्रैवलिंग केटल के बारे में। इस समय काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ईयर एंड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप इधर से उधर ट्रैवल करते हैं विंटर सीजन में, तो आपको कैरी करनी पड़ती है एक छोटे साइज़ की इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें इंस्टेंटली आप पानी गर्म कर सकते हैं अदर पर्पजेज़ के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी। तो चलिए आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केटल, जो कि प्रेस्टीज की तरफ से उसकी कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल केटल आती है। तो ये जो केटल की कैपेसिटी है ये सिर्फ 500 ml है। इसमें आप 350 ml तक इजीली कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट आप इसमें गरम कर सकते हैं। तो चलिए आज इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी डिटेल्स बताएंगे और साथ ही साथ अगर ये केटल आपको पसंद आती है तो इसी का ही बाय लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी ट्रिप के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ले जाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे कुछ चार फीचर्स दिए हुए हैं जो कि अभी सब कुछ मैं बताऊंगा और साथ ही साथ प्रेस्टीज कंपनी की है, तो इसकी गारंटी या वारंटी आपको ऑल इंडिया अवेलेबल मिलेगी। इसका वारंटी नंबर जो होता है, टोल फ्री नंबर होता है, ये बॉक्स में यहाँ पे लिखा रहता है, नहीं तो आपको इंटरनेट पे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। अगर इसकी पावर की बात करी जाए तो बहुत कम वॉटेज लेती है, 700 वॉट ही लेती है और साथ ही साथ यहाँ पे 0.5 लीटर की है। तो जल्दी से पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स पैकेजिंग बिल्कुल नॉर्मल है जैसे प्रेस्टीज अपनी देता है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये रही। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और ये वारंटी कार्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें केटल का एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जो कि आपको पूरी तरीके से एश्योर कर देगा कि ये केटल आप ही की है और इसी की वारंटी इस कार्ड से आपको ऑल इंडिया मिलेगी। इसको ज़रा साइड में रख देते हैं और अब अनबॉक्स करते हैं ये इलेक्ट्रिक केटल। थोड़ा सा और अच्छे से फोकस कर लेते हैं केटल को और बिल्कुल छोटे से साइज़ की केटल है ये, यहाँ पे आपके सामने ये रही। और उसी के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है, जैसे नॉर्मल केटल्स होती हैं उसमें अलग से कॉर्ड होता है जिसको आप अलग से ही कैरी करना पड़ता है, बट यहाँ पे ट्रैवलिंग केटल या स्मॉल साइज़ की केटल है तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, कहीं अलग से कोई और पार्ट इसका रखने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही साथ अगर इसके साइज़ का कंपैरिजन देखा जाए तो सिर्फ इतनी सी बड़ी केटल है यहाँ पे आपके सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है स्टेनलेस स्टील की, मतलब स्टील की केटल है जिसकी वजह से इसमें पानी उबालना या कुछ भी उबालने में नुकसान नहीं होगा। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊँ, जितनी भी केटल आप लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 1.5 लीटर की किसी भी ब्रांड की हो, प्रेस्टीज हो गई या कोई भी ब्रांड है, हमेशा खरीदने से पहले तीन चार पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है जो बॉइलिंग कप होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब बॉइलिंग कप होता है वो स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए, प्लास्टिक की केटल ना लीजिएगा, बहुत अनहेल्दी होती है। साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, कंपनीज कॉस्ट कटिंग करती हैं जब इसको दो चीजों को साथ में जोड़ती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे इसमें आप अंदर का इंटरनल बाउल देख रहे हैं, काफी कंपनीज में इस टाइप का बाउल आता है जिसमें नीचे की तरफ से साइड में जॉइंट होता है। कभी भी ज्यादातर अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है या बहुत कम बजट में केटल लेना चाहते हैं या सिर्फ पानी उबालने के लिए केटल लेना चाहते हैं, तब जॉइंट वाली केटल लीजिएगा। अदरवाइज मल्टीपर्पज यूज के लिए अगर आप केटल ले रहे हैं तो हमेशा नीचे की तरफ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ नीचे की तरफ से जॉइंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जॉइंटलेस केटल होती है, जिसकी वजह से क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती है, कहीं भी चाय पत्ती या कोई भी ऐसी चीज जमा नहीं होती, जिसकी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है महक नहीं आती है। तो मल्टीपर्पज तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेस्टीज ने इस केटल में इस चीज का ध्यान दिया है, ये 100% जॉइंटलेस केटल आपको दे दी है जिसमें जॉइंटलेस पूरी तरीके से अंदर का बाउल है, बिल्कुल छोटे साइज की है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक से दो लोगों की चाय इसमें बन जाएगी, एक फुल ग्लास का, मतलब कह सकते हैं कि अगर आप एक बहुत पानी पीना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से गर्म करके, तो इसमें सिंगल पर्सन का पानी एक बार में आप इसमें गर्म कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करके दी हुई है और उसी के साथ साथ ये देखिए TTK प्रेस्टीज और यहाँ पे देखिए बैच सीरियल नंबर भी इसका दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसी के साथ साथ अब जरा इसका कॉर्ड भी देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत कम पावर लेती है, सिर्फ 700 वॉट ही लेती है, जिसकी वजह से ये मल्टीपर्पज़ हर जगह यूज़ हो जाएगी और शॉर्ट नहीं करेगी क्योंकि पावर कंजप्शन इसका ज़्यादा नहीं है। केटल के अगर तार की बात करी जाते हैं तो तार वही नॉर्मल जैसे बाकी केटल्स में आता है उतना ही बड़ा होता है, 5 एम्पियर का प्लग लगेगा, बस ज़्यादा ऑब्वियसली आते पावर नहीं है, तो ये नॉर्मल प्लग में भी ये इजीली यूज आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इनकेस आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑटो कट दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप इसमें पानी उबाल रहे हैं, अगर आप ओपन भी उबालना चाहें उबाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से रख के भी आप उबाल सकते हैं।
उसी के साथ साथ यहाँ पे एक ऑटो कट का बटन दिया हुआ है। ये ऑटो कट का बटन जो होता है, अगर पानी उबल जाता है तो अपने आप ये ऑफ हो जाता है। काफी सारी छोटी केटल्स में ऑटो कट नहीं मिलता है, पर इसमें आपको ये चीज प्रोवाइड कराई गई है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो इनबिल्ट क्वालिटी अच्छी दी है, अंदर की तरफ से जॉइंटलेस है, 1 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से मिलती है आपको, हालांकि फ्री ऑफ कॉस्ट की, मगर उसके बाद आपको वारंटी तो मिल जाएगी बट ये है चार्जेबल होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ये पावर इंडिकेटर मिल जाता है जिसमें लाइट जलती रहेगी, जब ऑटो कट होगा तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ कभी भी अगर आप नॉर्मली दूध उबाल रहे हैं, मिल्क का यूज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए पहले इसमें वाटर ऐड कर दीजिएगा, फिर थोड़ी सी गर्म करके तब उसके ऊपर से अगर मिल्क ऐड करेंगे तो नीचे की तरफ से मिल्क जो होता है वो चिपकता नहीं है, क्योंकि एकदम से अगर हीट लगती है तो मिल्क थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बट नहीं करिएगा। और एक और दूसरा मैं आपको बता दूं, कभी भी मिल्क बॉइल करते हैं तो ये ढक्कन ना लगाइएगा, अपने आप ऊपर से आपको दिखता रहेगा, क्योंकि बॉइल बाद में होता है और ऊपर पहले ही आ जाता है, तो इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए सारी बातें हो गई हैं, एक डिटेल रिव्यू भी आपको दे दिया इसका 360 डिग्री और क्या क्या चीजें इसके साथ मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो चलिए अब एमआरपी भी देख लेते हैं। एमआरपी यहाँ पे 1695 की दी हुई है, और 1695 की एमआरपी तो है, बट इस समय आपको 1300 की रेंज में ये केटल मिल जाएगी। तो अगर आप इस केटल को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाय लिंक है, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।